बिस्मिल्लाहिर्रहमान। 2 दिन पहले यहाँ अर्लैंडो में गे क्लब पर एक मुसलमान उमर मतीन नाम का जाकर हमला किया। अब तादाद 53 हो गई, मरने वालों की तादाद 53 है और ज़ख्मियों में 50 है। ये जो गे क्लब है उसकी नफ़रत उमर मतीन के पास ना तो वो मज़हबी है, सबसे पहले रमज़ान का एहतराम करना है। उसने सबसे बड़ी गलती यही की कि अल्लाह के हुक्म को ना माना। दूसरा ये कि ना तो वो रोज़े रहता शायद, ना तो नमाज पढ़ने वाला है, और उसकी बीवी से तलाक़ ले लिया। तलाक़शुदा इंसान, उसका वालिद ने कहा कि वो दिमागी मरीज़ है, और फिर बीवी बच्चों को भी मारता था। हम मुसलमान ये देखें कि 8 बिलियन इंसान अल्लाह की मानते हैं कि या नहीं। अल्लाह के नाफरमानों को अल्लाह अजाब देता है। आप अगर दुबई को देखेंगे, आज मादा परस्त हो गया, अल्लाह ने उनको दुनिया की दौलत दे दी इम्तिहान के लिए, लेकिन वहाँ के जो ख़वातीन वाला जेल है उसमें कुरान की तिलावत हो रही और उनके बच्चे क्लासों में तालीम पा रहे। तो एक तरफ वहाँ पे नाइट क्लब्स है, प्रॉस्टिट्यूट्स है, और फिर वहाँ दुनियावी शौक बढ़ गए। आए दिन अरब ममालिक के लोग जो है नए नए फ़न के लिए, खेलों का तमाशों का जो है एक मुजाहरा करा रहे, और ये भूल गए कि मुसलमान गरीब है फ़लस्तीन में, कश्मीर में। ये भूल गए कि रेफ्यूजीज जो है दूसरे ममालिक को जा रहे हैं, वहाँ के सीरिया के या फिर और ममालिक के। लेकिन मेरा मुसलमान जो दुबई पे पैसा खर्च कर रहा, उसको ईमान अल्लाह ताला दे, उसको ये बात समझ में आए कि जन्नत हक की हकीकत है। हम मुसलमान सूरह रहमान को बार बार समझें, ए जिनो इंस, तुम हमारी नियामतों का इनकार क्यों करते हो? ये अल्लाह कह रहा है उसमें, तुम हमारी नियामतों का इनकार करोगे क्यों? आखिर हम सोचना है अल्लाह ताला क्यों हमें सूरह रहमान में ए जिनो इंस कह रहा है, तुम हमारी नियामतों का इनकार करते हो, क्यों कह रहा है? बार बार अल्लाह ताला ये दुनिया आदम से लेके अब तक चलाए या आगे भी चलाएगा, ये क़यामत से पहले ख़त्ल व ग़ारत गिरी होगी। हम इस पर नहीं जाना है, हम ये देखना है जो दुनिया से बनाने वाले ने जन्नत बनाई, दुनिया बनाने वाले ने हमको रुकने के लिए कहा गुनाहों से, गलत तरीक़ों से, गलत आदत व अतवार से अल्लाह की मान कर चलना है, हम ये देखना है। अगर ये देख कर हम चलेंगे तो ज़रूर हमको ये एहसास होगा कि अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ चलने वालों को सज़ा मिलती है दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि जो है ये जो हुआ अर्लैंडो में वो गलत है, मैं ये कहता हूँ कि यहूद व नसारा भी जानते हैं कि ये गे और लेस्बियनों का उनकी किताबों में हुक्म नहीं है, लेकिन आम क्यों हो जा रहा? अब गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाने वाला वक्त आ गया, जिना को जिना नहीं समझा जा रहा, अब फिल्मों में जो नंगापन है उसको नंगापन नहीं समझा जा रहा। इन्हें जहन से वो बातें निकाल दी जा रही जो अल्लाह के हुक्म की है। अगर तुमको बचकर चलना है तो तुम बार बार यही देखना है कि क़यामत से पहले फितने होंगे, क़यामत से पहले मुसलमान मुसलमान मारेगा, क़यामत से पहले ख़त्ल व ग़ारत गिरी होगी, क़यामत से पहले जो है इंसान अपने आप में नहीं रहेगा। ये नोट करके हम जीना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।